जे अज कोई झूठा का मुख्यमंत्री चुनना हो जा शील्ड देनी हो तो वह शील्ड सूबे का मुख्यमंत्री साडा पंजाब का मुख्यमंत्री जितूगा। अज तक पंजाब का मुख्यमंत्री चैनलों पर आके दस दे कि मजदूरों लिए उन्होंने एक एक ऐलान किया हो। पंजाब का मुख्यमंत्री भगौड़ा होके गुजरात के प्रचार करता, कदे हिमाचल च वग जाता, कदे हरियाणे च वग जाता, तो पंजाब के लोगों ने डेमो थोड़ी चुनिया। तुरंत काम हल होया करनगे, कोई भी वर्ग जो कोई इंप्लाइज मैं धरने नहीं लगनगे, पर अज पंजाब ऐ लगता धरन की भूमि बन चुकिया। तुसी संगरूर चोणां दे विच जो समाज ने थोड़ी ढूई रगड़ी तुसी उत्थे उदो पहलां वोटां तों कहा सी कि दिहाड़ी घट्टो घट 500 रुपया होनी चाहीदी है, तो फिर करदे क्यों नहीं? जिहड़े पंजाब पुलिस दे विच भर्ती हो चुके तुसी नौकरियां तों कढ़े हो, एक साथी उन्हां चों खुदकुशी भी कर गया। जिहड़ी खूह दे विच असी कांग्रेस सिटी है उस तों डूंघे खूह दे विच ये थोड़े नाल वादा, ये आम आदमी पार्टी झूठां दी मां पार्टी, उदों भी कांग्रेस नालों भी डूंगे खूच सिटांगे। पंजाब दे लोकां ने पंजाबी अद्दा भला करन वास्ते तुहानूं चुणिया सी, नशे दे खिलाफ चुणिया सी, ते अज चिट्टा शरेआम अज एडी पवित्र धरती ते खड़े आ, इत्थे भी गलियां दे विच शरेआम चिट्टा विकदा। इक कमेडियन सी, गल बनाउणी आउंदी सी, लोकां नूं बना बना के गल्लां कर करके मिठियां कर करके औरतां नूं मशकरियां। सीएम बन गया कि तुसीं हरेक दफ्तर के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की फोटो लवाई है, तो अज उन्होंने परिनिर्माण दिसब के उत्ते कोई छुट्टी की हो कोई सरकारी कोई प्रोग्राम रख्या होड़ी नीयत साफ झलकती है। बाबा साहब भीम राव अंबेडकर की 60वीं बरसी मनाई जा रही है, बहुजन समाज पार्टी वालों व्डा कट्ठे रख्या गया, कट्ठ की अगवाई कुलदीप सिंह सरदूलगढ़ कर रहे हैं, लंबे समय तो मजदूरों की आवाज़ उठाते रहे हैं, धरने लाते हैं, गलबात करते हैं उन्होंने। बाई जी पहला तो स्वागत है लोग वाई टी। पहला तो मैं दिल दी गराइयां दे विचों लोक आवाज़ चैनल का धन्यवाद करदा। भाई जी सब तो पहला सवाल किवें देखदे हो अज उन्हां दी बरसी मनाई जा रही है, कितें ना कितें जिन्हां दा एक वड्डा सहयोग है उस भाईचारे लई जिन्हों लंबे समय तो दरड़िया कुचलिया जा रहा सी, की कहना चाहोगे समाज किन्ना क बदलिया, किन्नी क सुधार आए है, तो किहड़े हजे सुधारां दी लोड़ है? देखो जी बहुजन समाज पार्टी हमेशा ही अपने रहिबरां दे जन्म दिहाड़े चाहे परिणाम दिसब होण चाहे शहीदी दिहाड़े होण वह मनाउंदी रही आ ते मनाउंदी रहेगी, क्योंकि वह साडे कौम दा सरमाया। अज मैं तुहाडे चैनल राही आम आदमी पार्टी नूं पुछना चाहुंदा कि तुसीं हरेक दफ्तर दे विच बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की फोटो लवाई है, तो अज उन्हां दे परिनिर्माण दिसब दे उत्ते कोई छुट्टी कीती होवे जां कोई सरकारी कोई प्रोग्राम रख्या होवे, इत्थों तुहाडी नीयत साफ झलकदी है कि तुसीं बाबा साहब नूं मन्नण वाले नहीं, क्योंकि 167 बच्चे जिहड़े पंजाब पुलिस दे विच भर्ती हो चुके तुसीं नौकरियां तों कढ़े हो। हुणे मैनूं एक साथी चिट फड़ा के गया, एक साथी उन्हां चों खुदकुशी भी कर गया, ये सरकार समाज बड़ी गलत सरकार सहेड़ चुक्या, क्योंकि नरमे की फसल मरी नूं बड़ा टाइम हो चुक्या। पर मजदूरां दे जिहड़ी तुसीं गल कीती वी धरने लगाउणे क्यों पै रहे ने, अज किसान सड़कां ते आ, मजदूर सड़कां ते आ, इंप्लाई सड़कां ते आ, अज हर फरंट दुखी है, क्योंकि पंजाब दा मुख्यमंत्री भगौड़ा होके गुजरात दे विच प्रचार करदा, कदे हिमाचल च वग जांदा, कदे हरियाणे च वग जांदा, तो पंजाब दे लोकां ने डेमो थोड़ी चुनिया सी बे कार दिखा के जिवें बेचते ने एजेंसियां वाले बे हुण तुहानूं दूजियां दिखा के तुहानूं सरकार बनाउणी। पंजाब दे लोकां ने पंजाबी अद्दा भला करन वास्ते तुहानूं चुनिया सी, नशे दे खिलाफ चुनिया सी, ते अज चिट्टा शरेआम अज एडी पवित्र धरती ते खड़े आ, इत्थे भी गलियां दे विच शरेआम चिट्टा विकदा। हर फरंट दे उत्ते सरकार फेल होई आ, ते असीं अक के दुखी हो के, क्योंकि 10-8-9 महीनों तो समा बीत जाण तो बाद भी हजे तक नरमे की फसल का मुआवजे के पैसे मजदूर किरतियां के खाते नहीं पै रहे, 30% पे ने, 70% जलील किया जा रहा। उन्होंने दुखों नूं लैके मनरेगा की दिहाड़ी वधाउण दे लई मनरेगा का कम घट्टो घट 300 दिन होवे वह कराउण दे लई बहुजन समाज पार्टी 13 तरीक नूं सरकार के विरुद्ध शांतमई अंदोलन छेड़न जा रही है, वह दमदमा साहब की इतिहासक धरती तो ही छेड़ांगे। एक गल इतने सवाल है, बीते दिन 30 तरीक न मजदूर धरना लगा गए, सीएम की कोठी घेरनी सी, उन्होंने कफ लाठीचार्ज होया, इस सरकार तो कहती सी पहला लाठीचार्ज करते हैं असी तो जो गल ना लावे हरेक तो किमें लग्या? जे अज कोई झूठा का मुख्यमंत्री चुनना हो जा शील्ड देनी हो तो वह शील्ड सूबे का मुख्यमंत्री साडा पंजाब का मुख्यमंत्री जितूगा, क्योंकि यह कहना सी जे किसान धरना लाएंगे मैं चंडीगढ़ बुलाया करा चाह पियाया करा
तो मोड़ दिया करांगा काम हल करके, तुरंत काम हल होया करनगे। कोई भी वर्ग जे कोई इंप्लाइज मैं धरने नहीं लगनगे, पर अज पंजाब ऐ लगता धरनियां दी भूमि बन चुकिया। इन्हें निहत्ते मजदूर जिहड़े शांतमई तरीके दे नाल बैठे से, अपने हक मंगदे से कि बड़ी महंगाई आ, तुसीं संगरूर चोणां दे विच जदों समाज ने थोड़ी ढूई रगड़ी, तुसीं उत्थे उदों पहलां वोटां तों कहा सी कि दिहाड़ी घट्टो घट 500 रुपया होनी चाहीदी आ, ते फिर करदे क्यों नहीं? ठेकेदारां नाल बड़े बड़े महल कोठियां पैंदे ने साढ़े 250-300 दे विच। जिहड़े मजदूर जिहड़ा किरती वर्ग अज 300-350 दी दिहाड़ी कर रहा, मैं दावे नाल कह सकदा वह घरे एक बाथरूम भी नहीं बना सकदा, एक बाथरूम की रसोई की छत भी नहीं बदल सकता, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो इस करके सरकार सुती हुई है। अज तक पंजाब का मुख्यमंत्री चैनल पर आके दस दे कि मजदूरों लिए उन्होंने एक एक ऐलान किया हो, हर फ्रंट के उत्ते फेल हुई है। तो इन सबक सिखाने वास्ते जिन्ना मर्जी लाठीचार्ज कर ले, कुछ साथी बैठते हैं सारे संघर्ष लड़ रहे हैं, पर असी बैठांगे जे सरकार मजदूरों पर गोली चलाऊ जा कोई लाठीचार्ज करो जा परचे दो, ओ पहला जिहड़े साडी लीडरशिप आ जिहड़े असी आगू आ साडे शरीरां विच दी गोलियां खह के टप्पणगियां, डांगां साडे शरीर उत्ते टप्पणगियां, परचे साडे ते होके फिर मजदूरां वल जाणा देवांगे, पूरा जी जान ला के ये नकम्मी सरकार दे विरुद्ध संघर्ष लड़ांगे। गुजरात गई है सरकार, उत्थे जाके कहा गया कि पंजाब च गैंगस्टरवाद खत्म हो गया, पंजाब दे विच नशियां ते खात्मा होया, पंजाब च औरतों को सहूलत मिल गई, पंजाब दे विच लगातार जिहड़े असीं काम कर रहे हैं, तुसीं किवें देखदे हो? तुसीं देखो जदों मैं बई जी तुहानूं कहता भी झूठां दी शील्ड इसे नूं मिले, ये मुख्यमंत्री नूं मिलू, ये तो उत्थे आए भी कही जांदे ने इन्हां दे मंत्री कि पंजाब दीआं औरतां नूं असीं 1000-1000 रुपया महीने दा महीने देईए ने, फिर मिल रहा? झूठ मारन दा की है, किड्डा मर्जी मार लो, क्योंकि एक कमेडियन सी, गल बनाउणी आउंदी सी, लोकां नूं बना बना के गल्लां कर करके मिठियां कर करके औरतों नूं मश्करियां, सीएम बन गया पर यह भुल गया जिहड़े जिहड़ी कौम श्रोणी शहीद बाबा जीवन सिंह कौम का सरमाया दिल्ली तो शीश लैके आया, ये उहदी कौम आ, भगवान वाल्मीकि सतगुर रविदास नामदेव की कौम आ, असी डंडियां तो डरन वाले नहीं, साढ़े रहबरां ने दिल्ली तो शीश लियांदे ने, तुसीं जिन्ने मर्जी डंडे जिन्ने मर्जी परचे कर लियो कोई परवाह नहीं, असी तुहाडे विरुद्ध ठोकमा संघर्ष लड़ांगे, जिन्ने मर्जी तुसीं लाठीचार्ज कराने वह साढ़े ते करा सकदे हो। एक नीले कार्डां ते हुण समीख्या चल रही है, सरकार कहिंदी है जिहड़ा प्रोविजन आया कि जिहदे कोल मोटरसाइकिल है उहदा भी ये कार्ड बंद किया जाए, किवें देखदे हो? मैं इहदा शरेआम कहणागा जिहड़े अर्जुन ट्रैक्टर वाले ने उहनां दे कार्ड फिर रह जाणगे, सरकार ने कह देना 30% कार्ड कट्टो, पर उहनां तों डरदे कट्टण वाले जिहड़े अर्जुन ट्रैक्टर वाले ने उहनां दे कट्टे नहीं जाणे, कट्टे तां फिर मजदूरां दे जाणे आ, कि उन्हां दीआं पर्चियां तां फोन ते कट्टियां जांदियां, जिहड़े जिन्हां दा सरदा कई तुसीं चैनलों पर दिखा चुके हो, जिन्हां दा परिवार फॉरन च सैटल आ वो भी पर्चियां कटवा के कणक डिपू दी खांदे ने। इस करके जिहड़े लोग बाहर बैठे ने बड़े सौखे ने, हरेक पक्षों सौखे ने, उन्हां दी पर्ची पहलां कट्टी जांदी आ, जदों भोले होरी दिहाड़ी ला के जांदे ने उदों कह दिंदे ने उह कोटा खत्म हो गया। इस करके हुण भी कार्ड मजदूरां दे सानूं डर आ ज्यादे कट्टे जाणगे, मजदूरों के कट्टे जाएंगे। हाँ जी, एक गल आखिरी सवाल लूँगा, तुम भी जाना वो ये है कि अज दिन दिन मना रहे हैं, जिमें पिछले लंबे समय तो कई गल् सामने आ जाए बाईकाट दियाँ, हो कि लगता हाले भी समाज के जल् हाले भी विचकरा होंगे? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने वोट लेके दी, राजे महाराजा का राज होया करता से, जिहड़ा राजा बनता सी देश का, जिहड़ा राजे के घर जम पिया चाहे वह लंगड़ा हों चाहे लूला हों चाहे काणा हों, राज तिलक हो जाता से, तो बाबा साहब ने राणी के ढिड का ऑपरेशन किया कि ढिड के पेट के राजा नहीं जम्मू, हुण संदूखड़ी के राजा जम्मू, बाबा साहब ने सानू वोट लेके दिती है, तो हुण समाज बड़े पद्धर से जाग रहा, आने वाले दिनों दे विच तुसी देखोगे इस समाज ने झूठी सौं खाने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं जिहड़ी खूह दे विच असी कांग्रेस सिट्टी है उस तो डूंगे खूह दे विच थोड़े नाल वादा, ये आम आदमी पार्टी झूठां दी मां पार्टी जिहड़ी गरीबां ते लाठीचार्ज करदी है, जिहड़ी पार्टी गरीबां दे मुआवजे भी उहनां नूं जलील करके दिंदी है, इहनूं सबक सिखाउण वास्ते उदों भी कांग्रेस नालों भी डूंगे खूह सिट्टांगे, संगरूर इहनूं तजर्बा दिखा भी दिता। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप, बहुत बहुत मेहरबानी।